जिले के 100 से अधिक अस्पतालों को राष्ट्रीय कार्यक्रमों के बारे में दक्ष किया गया है। जिला स्वास्थ्य समिति DHS के तत्वाधान में एक निजी होटल में हुए एक दिवसीय निजी चिकित्सकों के संवेदीकरण कार्यशाला में शनिवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के पदाधिकारियों के साथ इन अस्पतालों के चिकित्सकों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सा अधिकारी भी आयोजन का हिस्सा बने। इस संबंध में CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने कहा कि जनपद में चल रहे सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों की सफलता में निजी चिकित्सा क्षेत्र का बेहद महत्वपूर्ण योगदान है। निजी अस्पतालों को चाहिए कि उनके यहाँ TB वैक्सीजन प्रिवेंटिव डिजीज संस्थागन प्रसव समेत राष्ट्रीय कार्यक्रमों से जुड़े जो भी केस हो रहे हैं उनकी रिपोर्टिंग अवश्य की जाए। CMO ने कहा कि संचारी रोग के नोटिफिकेशन के साथ साथ TV का नोटिफिकेशन अति अनिवार्य है क्योंकि इसका समयबद्ध उन्मूलन पूरे देश का लक्ष्य है। इस अवसर पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर AP गुप्ता, अपर निदेशक चिकित्सा एवं परिवार कल्याण डॉक्टर JN त्रिपाठी, जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजकुमार गुप्ता, जिला महिला अस्पताल के SIC डॉक्टर AP श्रीवास्तव, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर IV विश्वकर्मा, डॉक्टर नंद कुमार, डॉक्टर NK पांडे, जिला क्षय रोग अधिकारी रामेश्वर मिश्रा, जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर AK पांडे, जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी OPG राव, डिप्टी DHIO सुनीता पटेल, WHO के स्टेट कंसल्टेंट डॉक्टर उमेश कुमार मिश्र, DPM पंकज आनंद, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अश्वनी चौरसिया, डॉक्टर क्षेत्रपाल यादव, डॉक्टर सतीश सिंह, डॉक्टर संतोष, डॉक्टर भगवान प्रसाद, डॉक्टर मनीष चौरसिया, डॉक्टर N राय, डॉक्टर अर्चना, डॉक्टर संचिता मल, BCPM विकास प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने कहा, इवन आपको मैं बता दूं कि आपका मेरा सर्विलेंस डाटा जो है WHO का 89% लेकिन 89% है लेकिन आप रिपोर्ट नहीं कर पा रहे। रिपोर्ट तो ज्यादा होना चाहिए सर्विलेंस में। 27% TB केसेस इंडिया में पाए जाते हैं जबकि पॉपुलेशन अपनी 1/4 है, तो ये हमारे और कंट्री के लिए एक शेमफुल कंडीशन है कि TB के केसेस हमारे यहाँ अभी विश्व के तुलना में जो पॉपुलेशन कंट्रीब्यूशन है उसमें ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट प्लीज। और UP का कंट्रीब्यूशन इसमें 1/5 अबाउट 20% 18% TB के कंट्रीब्यूट हमारे यहाँ से हो रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। फॉर्चुनेटली सर TV कंट्रोल प्रोग्राम 1962 से चला लेकिन RNTCP चला और RNTCP में डार्क स्ट्रेटजी स्टॉप TV स्ट्रेटजी उसके बाद न्यू स्टॉप TV स्ट्रेटजी बट फॉर्चुनेटली अभी लोगों ने इंटरनेशनली और नेशनली बात करना शुरू कर दिया इन TV स्ट्रेटजी कि अब TV को खत्म करने वाले मोड में है। उसका इम्पैक्ट भी हम लोग किस तरह से ग्रेविटी आ रही देखेंगे। सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो मेन है और सभी प्रोग्राम जैसे दस्तक है और सब चीज़ें हैं उसमें हम सभी प्रोग्राम के टारगेट हैं जहां पे हम डिक्रीज कर रहे हैं। एक टारगेट फिक्स है TV में कहा गया 90% रिडक्शन इन डेथ 80% रिडक्शन इन प्रेवलेंस एंड 0 कैटास्ट्रोफिक कॉज के टारगेट मिला है और इस टारगेट में इस कंट्री का क्या पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटमेंट है उसको आगे देखें। नेक्स्ट प्लीज। सर एक है TB की क्रॉनिक डिजीज और इन्फेक्शन कब कहाँ पे होगा उसको कैसे कंट्रोल करेंगे स्ट्रेटजी क्या क्या होगी। एक चैलेंज है कि जिस स्पीड से हम चल रहे थे शायद उससे अभी हमें 150 साल लगता TB जिस टारगेट पे पहुंचना चाह रहे हैं लेकिन ये टारगेट आने वाले समय में 5 से 10 साल में आप लोग रियलाइज करेंगे। जो स्पीड चल रही थी अभी हम पैसेंजर ट्रेन से चल रहे थे जो डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँचने के लिए लेकिन आपसे बताएं। नेक्स्ट प्लीज। ये लेकिन ये टारगेट आपको हमको 5 साल और 10 साल के अंदर अचीव करना जो 150-160 ईयर का तो काफी फोकस है। नेक्स्ट प्लीज। करेंट टूल जो अवेलेबल हैं आपके पास डायग्नोस्टिक जानकारी की बात हम लोग सिविल नेट में बात करेंगे और जो रिसोर्सेस हैं प्लीज यूटिलाइज देम। सर ये पिछले साल 13 मार्च को जो नेशनल लेवल पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इन TV समिट कॉल किया इस देश के सभी प्रोग्राम मैनेजर आई थिंक डिस्ट्रिक्ट TV ऑफिसर आप गोरखपुर सर आप भी इसमें पार्टिसिपेट किए और इसमें कमिट किया गया जो हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको जो टारगेट 2030 है
आप लास्ट लाइन देखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है एम्स टू एंड टीबी इंडिया बाय 2025। आज हमने यहाँ पर प्राइवेट डॉक्टर्स के एसोसिएशन के माध्यम से समस्त डॉक्टरों को जो प्राइवेट प्रैक्टिस में हैं, चाहे वो गोरखपुर जनपद में हों, जनपद के इर्द गिर्द के कस्बों में हों, उनको सबको आमंत्रित किया है कि शासन की स्वास्थ्य क्षेत्र में जो योजनाएं चल रही हैं उस योजनाओं की सही जानकारी और उनकी सहभागिता कैसे है उस योजना में, उनको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो और करनी चाहिए, नियमता करनी चाहिए, उसकी जानकारी उनको देना चाहते हैं और साथ में उनकी समस्या भी सुनना चाहते हैं कि प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अगर उनको कोई समस्या है। इसमें ख़ास रूप से हम टीवी प्रोग्राम के बारे में उनको बताते हैं, जिसमें नोटिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है, ये उनको करना चाहिए। और ट्रीटमेंट वो जो देते हैं उसके बारे में भी उन्हें बताना है कि अगर ड्रग रेजिस्टेंस केस है तो हमारे यहाँ सी बी नेट मशीन लगी हुई है, वहाँ भेज कर निःशुल्क रूप से मरीज़ का जांच करा के और ये डिसाइड कर सकते हैं कि उसको कौन दवा दी जाती है। उनके यहाँ ऐसे भी मरीज़ आते होंगे जो दवा का बोझ नहीं झेल पाते, उसके लिए हम उनको दवा दे सकते हैं, हमसे दवा ले लें और निःशुल्क रूप से उस मरीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करें, दें। उसी तरह हमारी आयुष्मान भारत योजना के तहत जो हमारे हॉस्पिटल इम्पैनल हैं, हम चाहते हैं और भी हॉस्पिटल उसमें आगे आएँ जिनके यहाँ स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी है, और वो हमारे गोरखपुर की जनता को जो करीब 3 लाख परिवार आच्छादित हैं इस योजना के तहत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत करीब करीब 8,500 परिवार आच्छादित हैं, उन सबको वो लाभ मिले। और अगर उस प्रोग्राम को कैरी आउट करने में या उनके भुगतान में या उनके किसी भी चीज़ में कोई उनको दिक्कत आ रही तो वो भी हम जानना चाहेंगे, जिसको कि हम अपने स्टेट हेल्थ एजेंसी के फोरम पर जाकर रख सकें। तो इन सारे प्रोग्रामों के बारे में, साथ में हमारा जनपद JEE से प्रभावित जनपद है, इस जनपद में JEE पे काफ़ी कंट्रोल पाया गया है, निश्चित तौर पे हमारे प्राइवेट डॉक्टर्स की भी उसमें अच्छी भूमिका रही है। तो प्रचार प्रसार संचारी रोग को नियंत्रण में लाने के लिए भी उनको हम सेंसिटाइज इसमें करेंगे। इसी तरह गोरखपुर जनपद में भ्रूण रेशियो, मेल फीमेल या हमारी फीमेल चाइल्ड मेल चाइल्ड रेशियो कमज़ोर है, कम है, उसको ठीक करने में हमारी भूमिका होनी चाहिए, हमें कोई भी सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं करनी चाहिए और इसके करने वालों को भी गोपनीय तरीके से प्रशासन को बताना चाहिए जिससे हम उसके खिलाफ़ अंकुश लगा सकें। अल्ट्रासाउंड सेंटर का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, ना ही अपनी शिक्षा दीक्षा का दुरुपयोग इस तरह से कोई की जानी चाहिए। इसके अलावा जो हमारे अन्य प्रोग्राम, इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम हमारा चलता है, हमारा लेप्रोसी का प्रोग्राम चलता है, उसमें हमारे प्राइवेट डॉक्टर्स की भूमिका क्या हो सकती है, उस पर भी हम उनका सेंसिटाइजेशन और उनसे वार्तालाप करेंगे। ओपन सेशन भी अभी होगा, अभी प्रोग्राम चल ही रहा है और उस ओपन सेशन में हम उनकी समस्या भी सुनेंगे। इसी संदर्भ में ये कार्यशाला का आयोजन 3 घंटे के लिए आज की गई है और उसके बाद ये कार्यशाला समाप्त की जाएगी।